और उन्हें उनके ख्वाबों पर अमल करना लाजिम और जरूरी होता है। यानी ये हमारे और आपके ख्वाबों की तरह नहीं होते, बल्कि ये हकीकत होती है जो अल्लाह का हुक्म उन्हें होता है। तो अब अगर ये बेटे को ज़बह करने का हुक्म था, तो फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो अपनी शान शान तैयार हो गए अल्लाह का हुक्म मुकम्मल करने के लिए, लेकिन बेटा ज़बह तो नहीं हुआ। यानी आपकी जगह पर फिदिया लाया गया, यानी दुबा लाकर पेश किया गया। तो उसकी भी वजूहत हमारे उलमा ने यह बयान फरमाई कि अंबिया किराम के जो ख्वाब होते हैं उसके तीन अकसाम होते हैं, यानी तीन किस्में होती हैं। नंबर एक कि जो ख्वाब देखा जाएगा वो भी आईन ही वाकई हो, यानी जैसा ख्वाब देखा वैसा ही होकर रहेगा, उसमें कोई शक व शुबा नहीं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने तैयबा में यह ख्वाब देखा कि आप अम्मा अपने अस्हाब के मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए और अस्हाब ने सर उठवाए और बाद में बाल कटवाए। आपका यह ख्वाब अल्लाह ताला ने इसी तरह एक साल के बाद मुकम्मल फरमाया और कुरान में इसका जिक्र यूं फरमाया, लकद सल्लल्लाहु रसूलहु रुकिया बिलहक लकद खुलन मस्जिद हराम इंशाअल्लाह आमीन मुहल्लिकीन रुकूसकुम व मुकस्सिरीन ला तखाफून। यानी बेशक अल्लाह ने सच कर दिखाया अपने रसूल का सच्चा था, बेशक जरूर तुम मस्जिद हराम में दाखिल हो गए, अगर अल्लाह चाहे अमन अमान से और अपने सरों के बाल उड़वाए या करवाशवाए बगैर खौफ और खतर के। ये वाकया जो सल्लल्लाहु ने उस जमाने में अपने सहाबा को बयान किया था रसूल हुदैबिया के मौके पर, आपको वही हुदैबिया के मैदान में रोक किया गया और एक साल के बाद अल्लाह ने हुजूर का ये ख्वाब पूरा करके बता दिया। ये किस्म होगी जो कि आई नहीं मुकम्मल हुआ। दूसरा ख्वाब, दूसरी किस्म यह होती है कि ख्वाब में सिर्फ इम्तिहान हो, यानी आजमाइश हो, लेकिन वो हुकूम तकलीफ ना हो, यानी ऐसा वाकया फिर हकीकत में भी रोजमाना हो और वो ऐसे ही है जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो बेटे को ज़बह करके देख रहे हैं। ये सिर्फ इम्तिहान था, अपने इम्तिहान पर अमल करने के लिए पूरी तैयारी कर ली, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो वाकये को बुजुर्ग हुकूम अजीब होने देने की वजह से जन्नत से दुम्बा लाकर दुम्बा ज़बह करवा दिया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया। ये पैगंबर के पाप की दूसरी किस्म है। अब तीसरी किस्म सुनिए। तीसरी किस्म अंबिया के ख्वाबों की ये होती है कि बाद चीजों से उन्हें तशबीह दी जाती है, यानी ऊंचा बढ़त दी जाती है। जिस चीज को ख्वाब में देखा गया हो उसी का वुकू न हो, बल्कि उसकी कोई ना कोई ताबीर हो या उसके वाके मुशाके कोई ऐसी चीज वुकू पसंद हो जाए। जैसा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब अपने बाप से कहा कि मेरे बाबा मैंने 11 सितारे और सूरज और चांद देखे, उन्हें अपने लिए सजदा करते हुए देखे। ख्वाब में आपने चांद और सूरज और 11 सितारे को सजदा करते देखे थे, लेकिन ये वाक्य नहीं हुआ। इन चीजों ने आपको जो सजदा किया था वो हकीकत में नहीं हुआ, बल्कि ये सारी चीजें उनके भाइयों के हवाले से ताबीर और तशबीह दे दी गई। तो ये चीजें अल्लाह की इज्जत ने अपने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के लिए खास करके रखी है जो उनकी शान शान है। और कुरान ने इसको भी बयान किया, वखरु लहु सुज्जदा वकाल या अबती हाजा तअमिनु रुकिया मिन कब कद जअलहा रब्बी हक्का। उसके लिए सजदे में गिरे और यूसुफ ने कहा कि मेरे बाप ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है, बेशक उससे भी मेरे रब ने सच करके दिखा दिया। तो ये अंबिया इकराम का जो ख्वाब होता है वो भी उन पर लाजिम और जरूरी होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इम्तिहान की कामयाबी की जमानत दी और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह पर ताजे ज़बीह अता कराया। साहिब अवराक के लफ्ज पर एक बात लिखते हैं जो हमारे और आपके सबके तवज्जो तलब है और उसको दिल पर थोड़ा ध्यान कर ले जाए। पहला मैंने गुजा कहा था कि अल्लाह इसको बाकी रखेगा, इसको कोई मिटा नहीं सकता। कायनात इधर से उधर हो सकती है लेकिन ये कुर्बानी के वादियात को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता और इसको बंद नहीं किया जा सकता, ये अल्लाह का फैसला है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बदले हयात देखा
कि वो एक जानवर सिर्फ इसलिए खून बहाएंगे कि उस खून बहाने का एक ही मकसद है कि अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए, अल्लाह की रिजा मिल जाए। अब सुनिए, ये चीजें करने के बाद उन लोगों से पूछिए ने क्या किया और फिर अल्लाह ने उन्हें इनाम क्या दिया। रिवायत में ये बात लिखी है, अब सारी औरा के गौरव ने इसको नकल किया कि जब इब्राहिम अलैहि सलाम ने ये हालत देख लिए उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह के शुक्र में वो रोए, बेटा जबा नहीं हुआ, फितिया बनाया गया दूल्हे को, बचा लिया गया बेटे को, लेकिन उसके बाद इब्राहिम अलैहि सलाम गमगीन हुए, नहीं हुए, रब का हुक्म आया इब्राहिम ये रोने का वक्त नहीं है, ये तो खूब मसरत खुशी का वक्त है, आप रोते क्यों है। अल्लाह अकबर, जो बड़े लोग होते हैं ना वो बड़े ही होते हैं। कोई तो अल्लाह की माता में खुदा ने तो करीजा पेश किया कि मेरे करीब तुमने कितना बेहतरीन मुझे नसीबदार बेटा का फरमाया, सारी के नबूवत दिया और मेरे बेटे ने भी मेरे साथ इम्तिहान में कामयाबी हासिल की और तेरा फल ये हुआ कि तूने उसे दबले अभी यानी दबीरुल्लाह का ताजे दबरीन से नवाजा, अगर कि मेरा बेटा अभी जबा हुआ नहीं है यानी मैंने ये इम्तिहान के लिए तैयारी तो की थी लेकिन ये हुकू पति नहीं हुआ, बगैर वाकई के भी तूने ये नेमत मुझे और मेरे बेटे को अता फरमाया कि मुझे खलीलुल्लाह बनाया, मेरे बेटे को जबीहुल्लाह बनाया। इस खुशी और मसरत में तेरी रहमतों का जब ये बात मैंने देखा और मुशाहिदा किया तो मेरी आंखों में ये खुशी के आंसू है। अल्लाह अकबर, उस वक्त रब करीम ने इरशाद फरमाया कि भाई आपके दिल पर कोई ख्याल अर्ज पेश किया कि मौला बेटा तो बचा लिया गया लेकिन इब्राहिम के दिल में यह ख्याल है कि ये तो बगैर कुर्बानी के ये इनाम है यानी अभी बेटा कुर्बान हुआ नहीं है, बगैर कुर्बानी के ये इनाम है, अगर मेरा बेटा इस्माइल जबह हो जाता तो न जाने तेरे कितने कुर्ब की मंजिल तय कर लेता, यानी फिर न जाने कितने इनाम मिलते। बस ये दिल में ख्याल है। इरशाद हुआ इब्राहिम, यकीनन आपका बेटा जरूर बचा लिया गया लेकिन इब्राहिम ये बताओ तुम्हारे सीने में अपनी ज्यादा मुहब्बत है या मुस्तफा जाने रहमत की। ये सारी का बात है, हमने जूते लिखे हैं कहा सही बताओ इब्राहिम तुम्हारे दिल में खुद की आपकी अपनी मुहब्बत ज्यादा है या मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अरिजा पेश किया कि अल्लाह मैं अपने से भी अपने आप ज्यादा मैं तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुहब्बत करता हूँ। फरिश्तों के कहने पर मैंने तेरा इम्तिहान लिया लेकिन तेरे बेटे को फिदिया बनाकर मैं तेरे बेटे का फिदिया बनाकर जन्नत से दुआ डालकर तेरे बेटे की मैंने हिफाजत कर ली फिर भी ज़बीहुल्लाह बनाया लेकिन सुन मैं खलील का इम्तिहान लेता हूँ, तैयारी जरूर करवाता हूँ, मैदान इम्तिहान गांव में भी जाता हूँ और छुरी भी रखवा देता हूँ फिर बेटा बचा लेता हूँ लेकिन जिसको हबीब बनाता बात सुनी ना
तो फिर आंसुओं की एक कतार बन गई, यानी रोए, चिल्लाए नहीं, सिर्फ रोए। और गमे ईमान आली मकान में अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इरशाद फरमाया, इब्राहिम क्या हुआ? अर्ज किया, मौला ये दास्तान करबला और ये दास्तान कबीर यानी इमतहानात कबीर सुनकर मेरे दिल में कि ये एक गम भरा जो समुद्र था वो आंसू बन गए। इरशाद फरमाया, इब्राहिम मेरे कबीर की याद में या मेरे कबीर के नवासों की याद में जो तेरी तरफ से आंसू बहा लेगा ना? कहा हाँ। कहा मैं उन्हें ऐसी ही मरातिब अता करूंगा जो मरातिब मैंने हजरत इस्माइल अलैहि सलाम की कुर्बानी के वक्त उन्हें अता करूंगा। ये सिर्फ इतना उससे ज्यादा कुछ नहीं। आज जो हमारे और आपके कल्चर में अभी 20 दिनों के बाद जो है मुहर्रम शरीफ शुरू हो रहा है, इसको कभी जाया न करना। उन्हें बाबू 10 अय्याम जो ये दिन हमने जो गुजारे हैं ऐसे ही मुअज्जज दिन को मुहर्रम की शुरुआत के 10 दिन दिए, जिसको हम और आप सिर्फ खेल तमाशा समझ कर गुजार देते हैं। हालांकि ये खेल तमाशों के दिन नहीं है, वो हकीकत में इबादत के दिन है। और उस दिन को अहमियत भी जो मिली है तो ये बहुत पुरानी है। हमारी और आपकी कोई कुर्बानी नहीं है उसमें, ये तो हबीब की आजमाइश की इम्तिहान है। और रब ने आपकी शान शान लिया, पर जब वो खलील की यादों और उसके बेटे की यादों को वो मिटाने नहीं देता और मिटने नहीं देता तो मुझे बताओ मुस्तफा के नवासों की यादें मिट जाएंगी? कभी नहीं। लेकिन अब मिटाने और ना मिटाने पर अगर कोई ऐसा फैल किया जाए जो रसूलुल्लाह की शरीयत के खिलाफ है, यानी माशाल्लाह मुहर्रम में 10 दिन काले कपड़े पहनकर शियाओं की नकल किए जाए, और हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद अभी से बड़ी तादाद अपनी गाड़ियों में अपनी दुकानों में अपने गोदामों में मकानों में अब तो यह कि जहां वो रिक्शा लेके जा रहे हो तो उसमें भी ये शिया लोगों के वो क्या बोलते इसको मरसी है। ये क्या क्या कर रहे हैं? अब कौन सी ईमान हुसैन की मोहब्बत का सबूत पेश कर रहे हैं? और बाद अफराद तो अभी से ये तैयारी करते हैं कि हम एक ही तरह के कपड़े पहनेंगे और माशाल्लाह रब्बिल आलमीन उस दिन यूं समझते हैं कि जैसे ये हकीकत में अखाड़े का दिन है। अल्लाह के लिए अपने इस्लाह कर लेना, सही बता रहा हूँ। ये तुम्हारे और हमारी नाटक बाजियों से ये ईमान हुसैन का नाम बाकी रहने वाला नहीं है। ये अल्लाह के हबीब के वो इम्तिहान को जब वो खलील के इम्तिहान को मिटने नहीं देता कयामत तक के लिए बाकी रखेगा तो क्या ईमान हुसैन की इस वाकिये को भुला देगा? वो नहीं, वो बता ईमान हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की सुबह कयामत तक बाकी रहेगी। हमारी और आपकी नौटंकी करने से नहीं होगा, इसके लिए अपनी इस्लाह करें। और इन कुर्बानी के अयाम में आज से ही अपना इरादा मजबूत कर ले। हमारे यहाँ एक सिस्टम चलिए कि बरकती साहब तबे जी क्यों ना कि हमें करोड़ों इरादों तो करिए चाहिए हर वर्ष से करें हर मंच को करें हमारा जादू का काम तो इरादे का दोस्त है बात की बदला ही हमने के तारे के मर मुझे बची ये बोला ना हमने इंसान तो घर पर बोला ना बरकत जी की तो बाहर में आप उसे कहीं करूँ उस दिन तो बाजार में जाइए ना इसलिए बेहतर हाथ को ये हमारी और आपकी सोच है। मैं एक छुट्टी का दर्ज कर आप दिल पर हाथ रखकर बताइए, दिल पर हाथ रखकर अभी कोरोना में हर कसो नाकस के घरों पर मैयत भी हुई कि नहीं हुई? लोग दुनिया से गए कि नहीं गए? गए ना। मुझे बताओ सही से बताना, हमने किसी के मरने पर टोकरा पड़ा? बोलो भाई पड़ा नहीं। हमने मरसिए पड़े और सुने नहीं। हमने ढोल ताश बजाए नहीं। हम क्या माशाल्लाह बाजारों में जनाजे लेकर निकलते तो कहीं किसी के जनाजे में हम ढोल बजाते हैं? बोलो भाई नहीं। हम किसी की जनाजे के अंदर कब्रिस्तान जाकर हम चौकारा पड़ते हैं? नहीं। यानी कोई ऐसा फैल जो हम 10वीं मुहर्रम और 11वीं मुहर्रम को उनाने करते हैं या बात जगहों पर करते हैं, हम अपनी मैयतों में नहीं करते। मैं कहता हूं जब तुम्हारे और हमारे रिश्तेदारों को ये काम हम और आप जायज और नाजायज समझते हैं कि भाई ये जायज नहीं है ये नाजायज है तो मुझे बताओ इमाम हुसैन की शहादत के दिन ये लोगों को ज़ेबा देगा? बताओ ना, आप बताओ। नहीं, ये हमारा काम नहीं है। ये शिया लोगों का प्रोपेगेंडा है जो सदियों से चला आ रहा है और इसको लोगों के दिल में इतनी खांदी के बाद अहबाब के अभी से ये मैसेज आ गए हैं कि लोग बड़ी तेजी के साथ ये मरसिए गाते हैं। अल्लाह के लिए आपसे गुजारिश है कि मरसिया में कुछ अशआर ऐसे हैं और कुछ कलमात ऐसे हैं जिसमें
गुस्ताखियां की गई, यानी शायद अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।